प्रेग्नेंट कैसे होते हैं, क्या करना पड़ता है, आज की इस वीडियो से आपको जानने को मिलेगा। अगर आप रिलेशनशिप में फिजिकल रिलेशनशिप बनाना चाहते हो या बना चुके हो और आपको डर लगा रहता है कि कहीं हमारी जो गर्लफ्रेंड है हम जिसके साथ फिजिकल हो रहे हैं वो प्रेग्नेंट ना हो जाए, कौन कौन सी प्रक्रिया होती है जिससे लड़कियाँ प्रेग्नेंट हो जाती हैं, आज की इस वीडियो में आपको जानने को मिलेगा। अगर आप जान लेते हो तो आप दोनों प्रॉब्लमों से बच सकते हो, ठीक है, प्रेगनेंसी भी कंसीव कर सकते हो एंड अगर नहीं करना चाहते हो उससे भी बच सकते हो। तो वीडियो काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, वीडियो को अंत तक देखना और मैं जो भी वीडियो डाला करूँ आप लोग देख लिया करो, क्योंकि मैंने देखा है यार काफ़ी लोगों के पास वीडियो मेरी जाती है लेकिन वीडियो को लोग देखते नहीं है। मैं जो भी वीडियो बनाता हूँ आप लोगों के लिए बनाता हूँ ताकि उस वीडियो से आपको कुछ ना कुछ सीखने को मिले। और मैं जो लास्ट में पॉइंट बताने वाला हूँ ना बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, तो वीडियो को कंटिन्यू करना, हम वीडियो को शुरू करते हैं, आपका ज़्यादा टाइम वेस्ट नहीं करेंगे, तो वीडियो को कंटिन्यू करना। ओके, हम शुरू करते हैं, यहाँ पे समझने की कोशिश करना। ओके, मैं आपको अच्छे तरीके से समझाऊंगा, समझ में आ जाएगा, बस वीडियो को स्किप मत करिएगा, मेरी आपसे यही रिक्वेस्ट है। जो नीले रंग का लिखा है ना, पीरियड टाइम सेक्स, यानी कि जब लड़की का पीरियड आ रहा हो। अगर आपको पीरियड नहीं मालूम है क्या होता है तो आप जिसके साथ फिजिकल होने जा रहे हो उससे पूछ लेना, वो बता देगी। ओके, अगर मालूम है तो अच्छी बात है, जब लड़की का पीरियड आ रहा हो तो आप उस टाइम सेक्स मत करना। पता उस टाइम क्या होता है, जो लड़की का ओवुलेशन होता है ना, जैसे कि जो अंडाणु वाला पार्ट होता है, अंडाणु का जो घर बोलते हैं उसमें से अंडाणु निकलता है, समझ रहे हो, अंडाणु निकलता है और जब आप उस टाइम सेक्स करोगे तो जो आपका स्पर्म होगा ना जब उससे मिलाप हो जाएगा तो निषेचन हो जाएगा, तो बच्चा बनना शुरू हो जाएगा, समझ रहे हो। तो जब पीरियड आए तो आपको बिल्कुल भी सेक्स नहीं करना है। जो रेड कलर से लिखा है इसको समझते हैं, पीरियड के 2 दिन पहले, यानी कि अगर लड़की का, जैसे कि मान लो जिसके साथ आप फिजिकल होने जा रहे हो उसका पीरियड आने वाला है, बस 2 दिन बाद आने वाला है या 3 दिन बाद आने वाला है, अगर 5 दिन बाद भी आने वाला है ना तो आप उसके साथ फिजिकल मत होना। पता क्या है कि जब आप सेक्स कर लेते हो ना तो वो उसके लगभग 2 मिनट से लेके 5 दिन तक जो आपका स्पर्म होता है ना, शुक्राणु होता है, वो उसके अंदर घूमता रहता है, यानी कि मिलाप करने के, उसके अंडाणु से मिलाप करने के लिए 5 दिन लगभग लगते हैं। अगर 5 दिन बाद जिस लड़की के साथ फिजिकल होने जा रहे हो उसका पीरियड आने वाला है तो उसके साथ फिजिकल बिल्कुल भी मत होना। ओके, फिजिकल का मतलब सेक्स मत करना, ठीक है, कुछ समझ में आ रहा है। अगर आपको कुछ भी ना समझ में आए तो कमेंट कर दीजिएगा, उसके लिए भी मैं आपको अच्छे तरीके से क्लियर कर दूंगा, या इंस्टाग्राम का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। लास्ट पॉइंट वेरी इंपॉर्टेंट है, तो लास्ट पॉइंट को अच्छे तरीके से समझ करके चलना। ओके, तो हम आगे बढ़ते हैं, अब इसको समझने की कोशिश करना, वीडियो को जरा सा भी स्किप मत करना वरना आपको समझ में नहीं आएगा। नो एंड यस, नो के नीचे यस लिखा है फिर एस के नीचे ए लिखा है, इसका मतलब क्या है समझने की कोशिश करना। नो यानी कि इसके नीचे जो मैंने लिखा है एस, ठीक है, और यस के नीचे जो मैंने ए लिखा है, एस का मतलब होता है स्पर्म, ठीक है, और ए का मतलब होता है अंडाणु, ठीक। अगर आप फिजिकल हो रहे हो, समझने की कोशिश करना, अगर आप जिस भी लड़की के साथ या आप जिस भी लड़की के साथ सेक्स कर रहे हो या आप जिस भी लड़के के साथ फिजिकल रिलेशनशिप बनाने जा रहे हो, तो अगर स्पर्म यानी कि हर एक लड़के में 15 साल के बाद स्पर्म बनना शुरू हो जाता है तो लड़कियों में भी 16 साल के बाद अंडाणु बनना स्टार्ट हो जाता है, ठीक है ना। तो अगर ये स्पर्म एंड अंडाणु का मिलाप हो गया सेक्स करने के बाद तो समझ लो बच्चा बनना कन्फर्म है। तो ये ध्यान रखना, अगर आप सेक्स करने जा रहे हो तो आपका जो स्पर्म है, यानी कि मैं लड़के के लिए बोल रहा हूँ, अगर आप सेक्स करने जा रहे हो तो जो आपका स्पर्म है वो आप मतलब लड़की के इंटरकोर्स करने पर अंदर नहीं गिराओगे, वेजाइना के अंदर नहीं गिराओगे, बाहर गिराओगे, एक भी बूंद नहीं गिराओगे। अगर आप चाहते हो कि प्रेग्नेंट ना हो, आप जिस भी लड़की के साथ फिजिकल हो तो, समझ रहे हो, अगर आप चाहते हो कि वो प्रेग्नेंट हो जाए जिस भी लड़की के साथ आप फिजिकल हो, तो आप अपना स्पर्म उसके वेजाइना के अंदर, योनि के अंदर गिरा सकते हो, ठीक है ना। तो इससे क्या होगा, मिलाप होगा, मिलाप होने के बाद बच्चा बनना शुरू हो जाएगा, समझ में आ रहा है ना। अगर ना समझ में आए तो कमेंट कर दीजिएगा या इंस्टाग्राम पे जा करके कोई भी क्वेश्चन आप हमसे पूछ सकते हो। उम्मीद करता हूँ आपको समझ में आया होगा, अब हम आगे बढ़ते हैं। अब इसको समझना बहुत ज़्यादा ये भी इम्पोर्टेंट है, ठीक है, जैसे 2 पॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट थे ना, ये भी इम्पोर्टेंट है एंड लास्ट वाला इससे भी इम्पोर्टेंट है।
निषेचन। इसको अच्छे से समझने की कोशिश करना, वीडियो को जरा सा भी स्किप मत करना अगर आप इसके बारे में अच्छे तरीका से जानना चाहते हो तो। ओके, जैसे कि मैंने आपको पिछले में बताया था कि शुक्राणु एंड अंडाणु का मिलाप होता है तब जाके बच्चा बनना शुरू होता है, यानी कि जो मिलाप होता है ना उसको ही हम निषेचन की प्रक्रिया बोलते हैं। और ये मैंने आपको शुरू में भी बताया था, 2 मिनट से 5 दिन तक ये होता है, यानी कि ये ज़्यादातर डिपेंड करता है लड़कों के ऊपर। जैसे कि लड़के फिजिकल होते हैं, सेक्स कर लेते हैं, और लड़कियों के योनि में या वेजाइना में अपना स्पर्म छोड़ देते हैं, तो वो 2 मिनट से लेके 5 दिनों के अंदर तक वो चलता रहता है। यानी कि अगर 5 दिन तक ओव्यूलेशन यानी कि लड़की का अंडाणु मिल गया उसको, ठीक है, तो वो क्या होगा, बच्चा बनाना शुरू कर देगा, समझ रहे हो, फर्टिलाइजेशन स्टार्ट हो जाएगा, ठीक है। तो ये निषेचन बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, 2 मिनट से लेके 5 दिन तक ये चलता रहता है स्पर्म, जो कि अंडाणु के खोज में निकल जाता है, जो अगर लड़की के योनि में वेजाइना के अंदर छोड़ दिया जाता है तो, ठीक है ना। इसलिए मैंने आपसे बोला था कि अगर पीरियड आ रहा है तो बिल्कुल मत करना, अगर पीरियड 5 से 4 दिन बाद आएगा फिर भी आप पहले सेक्स मत करिएगा, समझ गए। तो इसका लास्ट पॉइंट सबसे इम्पोर्टेंट है, समझने की कोशिश करना, पीरियड ना आना 1 मंथ में, यानी कि ये लड़कियों के लिए, अगर आप तो लड़के हो फिर भी इसको अच्छे तरीके से समझ रहे हैं। देखो ये क्या होता है ना कि ज़्यादातर लड़के, देहात के जो लड़के होते हैं ना जिनको नहीं मालूम होता है उनको ज़्यादा ये वीडियो काम आएगा, इस वीडियो को शेयर भी कर दीजिएगा, ठीक है। एंड यहाँ पे समझने की कोशिश करना, पीरियड यानी कि आप जिस भी लड़की के साथ फिजिकल रिलेशनशिप हो, काफ़ी दिन हो गए, अगर आप उसके साथ हो एंड फिजिकल रिलेशनशिप सेक्स कर चुके हो, अगर उसको 1 मंथ तक लगातार पीरियड ना आए, 1 से 2 मंथ हो जा रहा है, अगर पीरियड नहीं आ रहा है तो समझ लो वो 100% प्रेग्नेंट है, जाकर के डॉक्टर को चेकअप करा लेना, ठीक है। अगर बाय द वे मैं ये वीडियो आज बना रहा हूँ ना, इसके पहले आपने फिजिकल रिलेशनशिप बना लिया होगा तो शायद 1 मंथ 2 मंथ हो गए होंगे, अगर पीरियड नहीं आ रहा है तो जाकर के चेकअप जरूर करा लेना, शायद प्रेग्नेंट होगी। तो आज की इस वीडियो को यहीं पे एंड करते हैं, उम्मीद करता हूँ वीडियो अच्छा लगा होगा, वीडियो को एक लाइक कर दीजिएगा, चैनल पे नए हो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, साथ ही साथ बेल आइकन को ऑल पे प्रेस कर देना, ठीक है ना। अगर आप हमसे डायरेक्टली बात करना चाहते हो तो इंस्टाग्राम का लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, जाकर के फॉलो कर लीजिएगा, वहाँ पे आपको हमारी नई नई रील्स देखने को मिल जाएगी, एंड वहाँ से आप हमें कोई भी क्वेश्चन कर सकते हो। और अगर कॉल पर बात करना चाहते हो तो कॉल मी फॉर एप्लीकेशन का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। तो आज की इस वीडियो को यहीं पर खत्म करते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नए टॉपिक के साथ। जय हिंद, वंदे मातरम।